हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल और मैं भी सुबह के काम करके फ्री हो चुकी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी बनाने जा रही हूँ कच्ची कैरी के कुच्चे। पता नहीं आप लोगों के यहाँ इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे कुच्चे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 4 आम लिए हैं, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे इसे बना रही हूँ। तो देखिए फैमिली, मैंने 4 आम लिए हैं, 4 कच्चे ऐसे बड़े बड़े आम लिए हैं। देखिए मैं इसके छिलके उतार लूँगी सारे आम का। देखिए मैं इसके भी छिलके उतार रही हूँ और छिलके उतारने के बाद फिर इससे मैं तरस दूंगी। देखिए मैंने सारे आमों को छील लिया है और छिलकर मैं इसे तरसने वाला से मैं तरस देती हूँ सारे आम को। तरसने के बाद इस प्रकार से इसे तरस लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आमों को तरस लिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब अजवाइन, 1 चम्मच के करीब कलौंजी, इसे मंगरेला भी बोलते हैं हम लोग, ये है रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच वो भी डालूँगी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा और दे रही हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को जैसा तीखा पसंद हो वैसा तीखा डालिएगा। और ये 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा और हल्दी डाल देती हूँ स्वादानुसार, नमक आप लोग जैसा जैसा नमक खाते होगे वैसा नमक डाल दीजिएगा। मैं इसमें 4 चम्मच नमक डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। चार चम्मच में मस्टर्ड ऑयल भी डाल दूंगी। ये थोड़ी सी बड़ी वाली चम्मच है, वो छोटी वाली थी, थोड़ी सी बड़ी वाली चम्मच है। उसके बाद मैं अच्छे से मिलाऊंगी इसे। देखिए फ्रेंड, इसमें मुझे तेल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और तेल डाला, 5-6 चम्मच के करीब मैंने और तेल डाला था इसमें। अब देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छी तरीके से मिला चुकी हूँ। मैंने बोला था ना मुझे तेल कम लगा था, तो मैंने 5-6 चम्मच के करीब और तेल डाला था और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला चुकी हूँ। अब मिलाने के बाद मैं दूसरे बर्तन में इसे डालूँगी। देखिए ये अच्छे से मिल चुका है और मैं अभी से इस बर्तन में डाल रही हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस बर्तन में सारे कुच्चा को डाल दिया है और ये हमारा कच्ची कैरी की कुच्चे बनकर रेडी हैं। और आप इसे धूप में 4-5 दिनों तक रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। 4-5 दिनों तक लगातार इसे धूप में रहने दीजिए और 2 दिनों धूप में रखने के बाद 2 दिनों के बाद खा भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी से लेकर खा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तैयारी 4-5 दिनों के बाद होगा। और इसे मैं बर्तन से ऐसे ढक के और 5-6 दिनों तक धूप में रख दूंगी और इसे उसके बाद खाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर हाँ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में फिर आप लोगों से। बाय बाय।